नमस्कार, मैं हूं कृतिका चावला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने फाइनल दौर की ओर पहुंच चुका है। 4 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट की घोषणा के साथ ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव सदी का सबसे लंबा चुनाव हुआ जो 80 दिन तक चलेगा। वहीं अब रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश में गहमा गहमी बढ़ गई है। वहीं राजस्थान के आंकड़े एग्जिट पोल में चौंकाने वाले हैं। बता दें कि एग्जिट पोल में बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी का अब भी दावा है कि वे प्रदेश में 25 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वे 10 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस कौन सी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है? जीत राजस्थान से भले ही कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं आ रही, लेकिन एग्जिट पोल से जो इशारा किया जा रहा है वे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का खाता फिर से खुलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी को जो पिछली बार 25 सीटें मिलती दिख रही थी, तो इस बार नुकसान होता दिख रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस जो 5 सीटें जीत रही है वे कौन सी हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इन 5 सीटों में बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, दौसा, चूरू और सीकर लोकसभा सीट हो सकती है, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस या कहें कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको बता दें कि इन 5 सीटों में जालौर सिरोही लोकसभा सीट का जिक्र नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत को झटका लग सकता है, क्योंकि इस सीट पर उनके बेटे वैभव गहलोत मैदान में थे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भले ही रविंद्र सिंह भाटी ने खूब सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन आंकड़ों की माने तो यहां कांग्रेस के उम्मेदारम बेनीवाल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में भी कुछ ऐसे ही आंकलन सामने आ रहे हैं, जहां उम्मेदारम बेनीवाल का भाव सबसे कम दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी रविंद्र सिंह भाटी के हक में आंकड़ा नहीं दिख रहा है, जहां एक सीट भी निर्दलीय के खाते में नहीं दिख रही है। नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने पहले भी इस सीट से जीत ही दर्ज की थी, जबकि खुद बीजेपी के बड़े नेता भी कह चुके हैं कि नागौर सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दौसा लोकसभा सीट काफी अहम सीट बन गई है, जब से किरोड़ी लाल मीना ने कन्हैया लाल मीना की जीत का दावा करते हुए हारने पर मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि इस सीट पर बड़े उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीना के आगे निकलने का आंकलन किया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में भी इस सीट को लेकर किए गए आंकलन में मुरारी लाल मीना को आगे दिखाया जा रहा है। वहीं आंकड़ों का समीकरण कांग्रेस की ओर इशारा कर रही है। चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कांसवा की वजह से काफी अहम हो गई है, क्योंकि वे पहली बार कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि चूरू लोकसभा सीट पर कांसवा परिवार का समर्थन मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझरिया पर दाव खेला है और उनके लिए पीएम मोदी ने खुद बैटिंग की है, लेकिन इसके बाद भी चूरू में राहुल कांसवा को लेकर आंकलन किया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में भी राहुल कांसवा का भाव देवेंद्र झाझरिया से काफी कम है। सीकर लोकसभा सीट पर भी उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस समर्थित सीपीआई के अमराराम मैदान में है। अमराराम के सपोर्ट में आदिवासी समाज दिख रहा है, जबकि बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को मैदान में उतारा है। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो यहां अमराराम का भाव स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से काफी कम है। जहां अमराराम का भाव 40 से 50 पैसे है, तो सुमेधानंद सरस्वती का भाव 1.5 रुपए तक जा रहा है, यानी अमराराम के जीत का आंकलन किया जा रहा है। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।